हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की वीडियो के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि इंस्टाग्राम स्टोरी क्लोज फ्रेंड की जो है वो हमने अपलोड की थी, हम उसको पब्लिक करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों, जो हमने क्लोज जिन लोगों को किया था उन लोगों के छोड़ के हम उसको पब्लिक करना चाहते हैं, उसको अनटिक करना चाहते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमें ना उसको डिलीट करना पड़े या कोई भी ऐसी ट्रिक का यूज़ ना करना पड़े, डायरेक्टली हम उसको क्लोज फ्रेंड से पब्लिक फ्रेंड पे कैसे कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ पब्लिक हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि सभी लोग उसको देख पाए। अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपने इतना करना है, यहाँ से इंस्टाग्राम को ओपन करना है। और जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हो, और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको गौर करनी ये है कि जैसे आप स्टोरी को अपलोड करते हो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये स्टोरी लगाई थी, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास, मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्लोज फ्रेंड्स ओनली। अब यहाँ पर दोस्तों मैं इस पर एडिट पर क्लिक करता हूँ या डन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। जैसे मैं बैक आऊँगा, अब मुझे प्रोफाइल में आना है, तीन लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर मुझे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लोज फ्रेंड्स का, देख सकते हो, इस पर क्लिक है, और यहां पर दो लोगों पे यहां पर जो है वो टिक लगा हुआ है, आपने इसको अनटिक कर देना और डन कर देना। जैसे डन करोगे, अब हम अपनी स्टोरी को चेक करते हैं, और स्टोरी को चेक करते हैं दोबारा से दोस्तों हमारे पास यही पेज आ रहा है। लेकिन इसको मैं इस तरीके से क्लोज करूंगा, दोबारा से मैं इंस्टाग्राम पर आऊंगा, और यहां पर दोस्तों मुझे तीन लाइन्स पर क्लिक करने और स्टोरी देखनी है। फिर भी अभी भी मेरी जो है यहां पर क्लोज फ्रेंड में यह स्टोरी अपलोड है। उसके बाद आपको इसके ऊपर टैप करना है स्टार के ऊपर, उसके बाद आपको एडिट योर क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट का इस पे क्लिक करना है। अब यहां पर भी दोस्तों हमारे पास जो है ये क्लोज फ्रेंड में ही पड़ी हुई है स्टोरी, यहां पर दोस्तों हमें जो है अब बताया जा रहा है हमें डन करना है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहां से हमें तीन लाइंस के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे हम तीन लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहां पर दोस्तों हमें जो यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा योर एक्टिविटी का, हमें इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अभी नो रिसेंटली डिलीटेड कंटेंट है, आपने इसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने स्टोरी पे क्लिक करना है, आपने मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सेव कर लेना है इसको, ठीक है। जैसे आप इसको सेव कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आपने इसको डिलीट कर देना है। अब जैसे आप इसको डिलीट करोगे, उसके बाद दोस्तों हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसको दोस्तों हम डिलीट करने से इसको हटा सकें, हमें प्लस पे क्लिक करना है। अब जैसे हमें स्टोरी पे क्लिक करना, हमने जो सेव की थी हमें उसको क्लिक करना है, क्लोज फ्रेंड पे क्लिक करना है, यहाँ पर हमारा कोई भी फ्रेंड जो है वो क्लोज अब नहीं है, सो हमें इस पर एरो पे क्लिक करना है, और हमें क्लोज फ्रेंड से हमें यहां पर योर स्टोरी पे क्लिक करके इसको शेयर कर देना है। जैसे हम इसको शेयर करेंगे, ये अपलोड हो जाएगी, और यहां पर दोस्तों आपके जो ये पब्लिक जो आपको क्लोज फ्रेंड का ऑप्शन था वो हट जाएगा, और आप इजीली इस तरीके से आप कर सकते हो, और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ।